एक टाइम था जब मुझसे पोहा बिल्कुल अच्छे से नहीं बनता था, पोहे का भरता बन जाता था क्योंकि मैं पोहे को बहुत देर तक सोख करके रख देती थी और फिर वो सॉफ्ट हो जाता था, जो कि करने की जरूरत होती नहीं, आप जस्ट वॉश करके स्ट्रेनर में रख दो, इतना ही एनफ होता है। बट अब बन जाता है, अच्छे से बन जाता है, क्यूश भी खा लेता है, तो आप समझ सकते हो कि अच्छा ही बनता है। कैसा बनता है जी? क्यूश खा लेते हैं ना तो अच्छा ही बनता है। बट मुझे लगता है अपनी गलतियों को ना भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां हमें मोटिवेटेड रखती हैं कि हम लाइफ में सब कुछ सीख सकते हैं। तो हम वहां से यहाँ आ गए तो यहाँ से भी आगे बेहतर कुछ कर ही लेंगे, है ना? है कि नहीं? वाह, गलती सामने ही है जैसे ये कभी नहीं भूलते कितने कितनी बड़ी गलती की, हाँ इतनी अच्छी वाइफ मिलेगी नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तभी सैटरडे है, बच्चों को क्लास के लिए ड्रॉप किया है, अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरीज करने। इंडियन स्टोर भी जाना है और सुपर स्टोर भी जाना है। इंडियन स्टोर मैंने बताया नहीं था इनको, तो बता दिया इंडियन स्टोर भी जाना है क्योंकि मुझे ना कुछ वो मिलेट्स के आटा लेना है, क्योंकि बल्क बर्न में हाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम रोटी तो एवरी डिनर में हमारा रोटी होता है, बट मैं सोच रही थी कि थोड़ा मिक्स करके आटे को वैसे बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ मिलेट्स के आटे की रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब फर्स्ट टाइमर्स के लिए मुश्किल होता है। वैसे जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो तो हर एक तरह के आटे का रोटी बना लेते हैं, पर मैं सोच रही थी कि आटे में मिक्स करके और फिर रोटी बनाऊं, तो इंडियन स्टोर में तो मैंने देखा है मिल जाता है, चलो बल्क बार में भी एक बार ही ट्राई करके देख लेते हैं। When lights go out, you're in my mind. कल ना मैंने बहुत अच्छे से बेसमेंट क्लीन किया, बहुत ज्यादा मेसी हो रखा था, और बाहर भी ना अभी वही विंटर्स थे ना, तो इस बाहर कोई क्लीन कर नहीं रहा था कि स्नो लीव्स बहुत ज्यादा डस्ट जमा हुआ था, तो बाहर के जो डोर के जस्ट सामने वाला प्लेस है वहां पे पूरा झाड़ू वाड़ू लगाया, लाइक काफी टाइम स्पेंड करके मेरी हालत खराब हो गई थी रात को। तो कल खाना खा के मैं जब बेड पे गई हूँ ना, कुछ टीवी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जबकि फ्राइडे नाइट कुछ ना कुछ देखते ही हम, अनुज देख रहे थे वो तो 12-1 बजे तक बैठ के कुछ देखा है उन्होंने, मैं जो सोई हूँ बिल्कुल दूसरी दुनिया में चली गई, क्योंकि इतनी ज्यादा टायर्ड हो गई थी, अभी भी मुझे नींद आ रही है। तो केयूष मुझसे बोलता है कि जैसे हम उनको बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा ठीक है, कुछ देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, तो वैसे ही मुझे बोलते हैं कि पापा को ना आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, आपने बहुत मेहनत करी। वाह बेटा, चलो किसी ने तो बोला तो पापा ने तो नहीं पता, मैंने खुद को ही अपने आप को गिफ्ट दे दिया। इतने प्यारे लग रहे थे ये ट्यूलिप्स, ये सुपर स्टोर से लेके आई। और एक चीज, ये वाला बोल, इस वाले ग्लास बोल पे ना मेरी नजर बहुत टाइम से थी सुपर स्टोर में। एक ना ब्रांड है लाइफ एट होम करके, इसकी चीजें ना बहुत अच्छी होती है बट अगेन एक्सपेंसिव भी होती है, तो ये अराउंड $25-30 का था जब से मैं देख रही थी, और आज मैंने देखा ये $14 का सेल पे लगा हुआ था, बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से उठा लिया मैंने। ये ना सैलड एंड ऑल मिक्स करने के लिए, या फिर खूब सारा चिकन पनीर या वेजिटेबल्स मैरिनेट करना है, तो आपको डीप बोल चाहिए होता है। तो मेरे पास जितने भी बोल्स थे ना वो लाइक हाई तो थे बट उनका बॉटम डीप नहीं था, तो मुझे ऐसा वाला एक चाहिए था कि डीप बॉटम हो और काफी फैला हुआ हो। फाइनली ये भी मिल गया, तो ये दोनों मेरे गिफ्ट है मेरी तरफ से अपने आप को।
मैंने आप लोगों को बताया ना कि इंडियन स्टोर जाना था, डिफरेंट तरह के मिलेट्स फ्लावर लेने थे मुझे, तो यहाँ पे एक बल्क पढ़ने मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था जब हम कॉफी बीन्स लेने गए थे। स्पेशली अगर आप किसी चीज को लेके श्योर नहीं हो, थोड़ा सा लेके देखना है कि कैसा लगता है, तो उसके लिए तो परफेक्ट है। और वैसे भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के ना बेकिंग की चीजें बहुत अच्छी अच्छी कलरफुल वहां पे मिल जाती है। डिफरेंट चॉकलेट्स, चॉकलेट्स तो इतने तरह के थे, डिफरेंट टाइप ऑफ राइस, दालें भी, बहुत सारी इंडियन स्पाइसेस, दालें सब कुछ मिल जाती है। तो फ्लावर भी वहां पे बहुत तरह का था, तो मुझे मेनली रागी लेना था। रागी का डोसा एंड ऑल भी बहुत अच्छा बनता है ना, इडली डोसा भी, मुझे वो लेना था। तो रागी तो नहीं मिला मुझे, बट ज्वार का आटा मिल गया, तो थोड़ा सा ही लेके आई हूँ अभी। और उसके बाद फिर अनुज ने बोला कि जब सोचा ये रागी आटा लेने का, तो चलो इंडियन स्टोर भी चल ही लेते हैं, मिठाई भी मिल जाएगी। तो इंडियन स्टोर से ये रागी फ्लावर और ये बाजरे का आटा, तो तीन तरह के डिफरेंट आटे हो गए हैं। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊंगी ना, तो सारा कुछ मिक्स करके फिर बनाऊंगी। और रागी का तो अलग से ही डोसा भी बनता है, तो वो भी बना के ट्राई करूंगी। डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहिए। और इंडियन स्टोर जाने का फायदा, मिठाई मिल गई, वो चमचम मिठाई होती है ना, उस तरह की है, जिसमें कि दो तीन अभी यहाँ से गायब भी हो चुके हैं, खा चुके हैं, मैंने भी एक खाया। मुझे ऐसे रस्से वाली ना काफी अच्छी लगती है। और जब भी अनुज जाते हैं ग्रोसरी स्टोर, एक नया सीड का पैकेट लेके आते हैं, तो ओकरा भी लेके आए। देखो हमारे गार्डन में समर में भिंडी भी उग सकती है, क्या पता उग जाए। और मेरा जो लैपटॉप बैग है ना, जो ऑफिस लेके जाती हूँ, उसमें ना सारे लंच बॉक्सेस ठीक से आते नहीं है, तो सैलड फ्रूट्स अगर सब कुछ लेके जाना है तो ठीक से आ नहीं पाते। तो मैंने ऐसे, ये भी सेल पे ही था, $5-6 में मिल रहा था, तो एक लंच बैग टाइप्स ले लिया कि छोटे छोटे बोल्स इसमें आराम से आ जाइए। और मैंने इंडियन स्टोर से लिया फ्राइड राइस मसाला, चिंग्स का, कभी कभी डालने में अच्छा लगता है। वैसे इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो ट्राई करना चाहिए कि ऐसी चीजें ना यूज करें, कभी चलता है। वैसे तो हम मोस्टली अदरक ना कॉस्को से ही लेके आ जाते हैं, बिल्कुल ड्राई वाली मिलती है जो जल्दी खराब भी नहीं होती, तो दो तीन पैकेट आराम से लाके रख लेती हूँ। बट लास्ट तीन चार विजिट से देख रही हूँ वहां पे अवेलेबल नहीं थे, तो इससे पहले कि मेरे पास जो है अदरक वो स्टॉक वाला खत्म हो जाए, तो सुपर स्टोर में मिलता है बट थोड़ा सा वो गीला होता है, तो इसलिए सुखाने के लिए रख दिया। अभी तो धूप अच्छी है तो सूख जाएगी, उसके बाद रख दूंगी। और करेले बड़े अच्छे से मिले हैं, बिल्कुल भरवा करेले बनाने वाले, खूब सारे करेले। और मैं ना बहुत टाइम से ये वाले ब्रशेस ढूंढ रही थी, वो स्क्रबर होता है काइंड ऑफ क्लीनिंग के लिए, डिश क्लीनिंग के लिए। तो जब अमेजोन पे देखती थी तो बहुत महंगा महंगा मिलता था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि छोड़ो क्या लेना, बट देखने में बड़े अच्छे लगते ना ये वुडन टोन वाली चीजें, वैसे भी मेरे किचन में है तो अच्छा लगता है। मतलब क्लीनिंग की भी चीज है, लेकिन आपको छुपा के रखने की जरूरत नहीं, इतना सुंदर है कि आप इसको आराम से बाहर डिस्प्ले में रख सकते हो। तो ये मिला मुझे सिर्फ $4 में, और मैंने फटाफट से उठा लिया क्योंकि ये लास्ट पीस बचा हुआ था, ऑब्वियसली ये सब कौन छोड़ता है। तो ऐसे ही ना कुछ कुछ चीजें कभी कभी अचानक बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, तो ध्यान रखना पड़ता है। खूब सारे लेमन लेके आए हैं, गर्मियों के टाइम तो लेमन वैसे भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और पहले तो येशा ही फैन थी लेमन की, अब केविश भी फैन हो गया है। केविश एक हफ्ते से घर पे ही है ना मम्मी पापा के साथ, स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है, तो मम्मी जैसे नींबू लेते हैं, कोई झोल बनाया, बंगाली जो झोल होता है ना, उसके साथ नींबू बहुत अच्छा लगता है, या फिर दाल के साथ भी नींबू बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने एक दो बारी उसको दिया, उसको इतना ज्यादा पसंद आया है अब लेमन। आज मैंने जब पोहा दिया तो ऊपर से लेमन डाला, तो टेस्ट उसको समझ में आ गया, बोलता है तुमने लेमन डाला है, का हाँ इसीलिए ये टेस्टी लग रहा है, मतलब सारा क्रेडिट लेमन का। और मैं मॉर्निंग में भी लेमन वाटर पीती हूँ, तो खूब सारा लेमन लेके आया। ये छोटे वाले बैगन के ना एक पीनट डाल के मैं सब्जी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, तो वो बनाए हुए भी काफी टाइम हो गया था क्योंकि ये छोटे वाले बैगन आए ही नहीं थे, हमेशा बड़े वाले बैगन ही लेके आती थी क्योंकि मम्मी वो बेगुन भाजा एंड ऑल बना लेते हैं ना, फटाफट से बन जाता है। तो छोटे वाले बैगन भी आए हैं और बड़ा वाला बैगन भी आया है, ये रहा। बीटरूट पत्ते के साथ, इसके पत्ते का ना साग बन जाता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और खूब सारे लेटस, क्योंकि आजकल हम खूब सारा सैलड भी खाते हैं, और ये रेड वाली मूली बहुत ही टेस्टी लगती है सैलड के जैसे खाओ ना। ये पूरा बास्केट ही कितना कलरफुल लग रहा है ना, येलो ग्रीन, बैगन का पर्पल और मूली का रेड। धनिया और पुदीना,
फ्रेश फ्रेश मिल गया था। और ये भी ना रख देती हूँ विंडो के पास, थोड़ा सा सूख जाएगा, अभी गीला है, सूख जाएगा, उसके बाद पेपर में रैप करके अच्छे से रख दो ना, फ्रिज में बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। और पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पानी में पुदीना डाल के, लेमन डाल के, अच्छा लगता है। खीरे का भी ऐसे 3 का पैकेट मिलता है, वो ले लिया है। जो छोटे वाले खीरे भी आते हैं ना, वो मैंने देखा है जल्दी खराब हो जाते हैं, ये जो लंबे वाले हैं खीरे वो जल्दी खराब नहीं होते। वैसे तो गर्मियों में काफी यूज हो जाते हैं, सैलड तो कभी भी लाइक लंच के साथ तो खाते ही है, बट इवनिंग में कभी भी ईशा को भूख लगती है, कुछ खाना होता है ना, उसको मंच करना होता है, तो आके सैलड बना के खा लेती है। तो कैरेट्स भी हैं खूब सारे, और हम कभी भी स्टोर में जाए और पार्ले जी दिख जाए तो नजूटा ही लेते हैं, ये सोचे बिना कि घर पे पार्ले जी है भी या नहीं। वैसे खत्म हो चुकी है तो लेना तो बनता है, ऑल टाइम फेवरेट है सबका पार्ले जी। टमाटर का पूरा 1 पैकेट और सिनेमन पाउडर चाहिए था मेरे को, तो स्पाइस सेक्शन में ना, बेकिंग सेक्शन में सुपर स्टोर के वहां पे मिला ये मुझे, तो ये ले लिया। फ्रूट्स में काफी कुछ है, स्ट्रॉबेरी भी पहले लेके आए थे तो आज कीवी लेके आए हैं बहुत टाइम बाद। किसको इसको कीवी अच्छा लगता है बताना जरा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ घर में सबको पसंद है, लेके आ जाती हूँ, बट मैं बहुत कम ही खाती हूँ, वैसे भी मैं फ्रूट्स के मामले में थोड़ी खराब हूँ। ये देखो हमारी आज की सब्जी मंडी कितनी खूबसूरत लग रही है, फ्लावर्स का कलर, सारे सब्जियों का डिफरेंट डिफरेंट कलर, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। थकान अभी तक गई नहीं, सब्जियां एंड ऑल रख के और ऐसे ही मैं वो सजा सुजू के विंडो के सामने रख के इतना अच्छा लग रहा था, 5 मिनट बैठ के देख रही थी और मुझे नींद आ गई और मैं सो गई, सोफा पे ही सो गई। और सो जाओ तो बड़ा आलस आता है, पर आलस करने से तो चलेगा नहीं, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग एक काम होता है, फिर उस ग्रोसरीज को उनके जगह पे सही से पहुंचाना, अरेंज करना, वो एक काम है। तो खैर वो तो हो गया है, ज्यादा कुछ था नहीं। और ये राइस पेपर जो मैं लेके आई थी ना, आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गया, अभी तक मैंने बनाया नहीं है। आप लोगों ने भी काफी सारी रेसिपी शेयर की थी, मैंने भी देखा था, चिकन का भी बना सकते हैं, बट आज मैं वेज का ही बना रही हूँ, सारे पेपर्स एंड ऑल डाल के, कैबेज एंड ऑल डाल के, तो देखते हैं कैसा बनता है। बेसमेंट में ये लोग प्ले कर रहे हैं जो कि मैंने क्लीन किया, कितनी बार मैं गाना गा चुकी हूँ सुबह से कि मैंने बेसमेंट क्लीन किया, बेसमेंट क्लीन किया। हाँ भाई, इसने बेसमेंट क्लीन किया भाई, मान गए। बहुत गंदा करते हैं। ये देखो ये पूरा फैला हुआ था, बॉक्सेस बॉक्सेस टॉयज लेगो, ये पूरा अरेंज कर दिया है और ये एरिया क्लीन अप कर दिया है कि ये लोग बास्केटबॉल खेल लो। ये देखो इसीलिए मैं ये बोल लेके आई हूँ, कितने अच्छे से ये डिप हो रहा है, मैं प्लेट पे कर रही थी इतने अच्छे से हो नहीं रहा था, देखा टाइमिंग। बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है इसको रैप करना, नहीं लगता ना, वैसे भी नई चीज है तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, बट हाँ रैप करने में बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। वहाँ पे इंडियन आइडल चल रहा है, मम्मी पापा इंडियन आइडल देख रहे हैं और यहाँ पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल कुकिंग किया है, दादू को भी खिलाएंगे। स्प्रिंग रोल के जैसे ऊपर से क्रंची और अंदर से गुई है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे बट बहुत ही लेजी लेजी मॉर्निंग है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और जब कुछ नहीं करने का मन करते
और ब्रेकफास्ट फिर भी बनाना पड़े तो क्या बनते हैं, अंडे। फिर याद आता संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और यहाँ पे चल रही है तैयारी एप्पल और ऑरेंज जूस की। ऑरेंज जूस अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट ऑरेंज ना मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, आंखों को सुकून मिल जाता है। काश हम ऑरेंज ही होते। बस कुछ भी। Maybe our lives were not meant to collide from the start, but who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do. अच्छी वाली धूप है तो पूरी जनता वॉक पे निकल चुकी है। अभी हो रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं और स्नो काफी मेल्ट हो चुका है, रोड क्लीन हो चुके हैं। Can you record here, put this in the video? I can do like a cross monkey bar. Cross monkey bar. अभी दिखाएगा फिरुश आप लोग। तो सामने एक पार्क है ना स्कूल वाला, तो वहीं पे जाते हैं, थोड़ी देर ये प्ले कर लेते हैं प्लेग्राउंड में और फिर हम वॉक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों कहाँ पहाड़ों के बीच में आ गए हैं हम। ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि स्प्रिंग ब्रेक है, स्प्रिंग आ चुका है और फिर भी चारों तरफ स्नो ही स्नो है, बट चलो टेम्परेचर बेटर हो गया है, एटलीस्ट वो हू वाली ठंडी नहीं है, तो आप अच्छे से कवर होके बाहर निकल सकते हो। और धूप आ रही है, सबसे बड़ी बात वही है, धूप आ जाती है ना तो आधी दिक्कतें वहीं दूर हो जाती है। मुझे इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप बाहर निकल सकते हो चाहे ठंड है चाहे जो भी है, बट बाहर निकल सकते हो वो बेहतर अच्छा है मेरे लिए। हाँ। हमारा फौजी रेस्ट लेता हुआ बंकर में, इतना काम किया, कितना काम करवाते हैं हम ना इससे, थक गया है कि बाहर आके भी सो गया। नौटंकी है एक नंबर का। ये देखो किसी ने ना स्नो पे लिखा है से हेलो, वो देखो ऐसे वाई उधर है और हेलो इधर है, ये शाह ने देखा। सैंड पे नाम लिखा करते थे, यहाँ पे स्नो पे नाम लिखना पड़ता है। अब जो चीज है, हाँ जो चीज अवेलेबल है उसको बेस्ट वे से यूज करो। बहुत अच्छा किया है, गुड। चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। बाय 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 बाय, वी हैव टू गो, बाय टू गो ना। Fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.